वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपना ब्लॉग हिंदी में स्टार्ट करूंगी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा हिंदी में भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे काफी सारे फैंस हैं जो कि हिंदी भाषी है, वो मेरे वीडियो देखते हैं बट वो बोलते हैं कि उतना समझ नहीं आता। तो मैंने सोचा कि चलो आज हिंदी में करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। तो अभी मैं हूँ एक चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे हूँ। आप लोग देखिए कितना सुंदर पेड़ है, इसमें पत्ते तो दिखते ही नहीं है, सारे पेड़ ही सब पेड़ है, फूल ही फूल है, कितना सुंदर है। तो अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा सा इवनिंग वॉक के लिए, और पीहू जो है ये थोड़ा साइकिलिंग करेगी। तो चलिए थोड़ा घूम के आते हैं, हमारे साथ आप भी आइए घूम के। चलिए तो अभी पीहू साइकिलिंग कर रही है, अच्छे से सीख गई साइकिलिंग। मैं जब क्लास 8th 9th में थी तब मैंने सीखा था साइकिलिंग, बट ये अभी 6 साल में सीख गई, तो देख के अच्छा लगता है कि साइकिलिंग सीख गई। देखिए कितना सुंदर फूल, बहुत सुंदर है, एकदम सफेद, पत्ते तो दिखते ही नहीं है, सारे फूल ही फूल है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। वो देखो पीहू, अभी हम स्टेशन के पास है तो चलेंगे उस तरफ। एक बहुत अच्छी सुंदर जगह जा रहे हैं जो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की दूरी पे है हमारे घर से। तो चलिए चलते हैं, हम कहाँ जाते हैं आप भी देखिए। तो ये हम लोगों का स्टेशन है, देखिए एक चीज, यहाँ पे आके हमारा ट्रेन का जो रेलवे का जो ट्रैक है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ ये देखिए, सो ये लास्ट है इसका, तो अभी यहाँ से शुरू होता है ट्रेन का ट्रैक, रेलवे ट्रैक। ये स्टेशन है, बचपन में हम भी अपने पापा के साथ इवनिंग वॉक पे चलते थे, एवरी संडे के दिन चलते थे। और हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे घर के सामने एक नदी था, ब्रह्मपुत्र नदी, और नदी के घाट में एक बच्चों के लिए पार्क बनवाए गए थे, तो उसमें हम उस पार्क में जाते थे, हम लोग खेलते थे, मैं और मेरी सिस्टर खेलते थे, मेरे पापा भी हम लोगों को बलून्स, आइसक्रीम, मूँगफली खरीद के देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और अभी जब हम पीहू को लेकर बाहर जाते हैं, उसको उसके साथ भी हम वही टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा अलग वे में, क्योंकि ये बाहर रहती है तो थोड़ा सा अलग वे से होता है, बट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना बचपन बहुत मिस करती हूँ और सोचती हूँ कि टाइम कितना फास्ट फास्ट भागता है, क्योंकि ऐसा लगता है तो कल की बात है जब हमारे पापा हम लोगों को लेकर जाते थे, बट आज मैं अपनी बच्ची को लेकर जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा ऐसे टाइम स्पेंड करने को, किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, है ना? आप लोग बस दुआ कीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे हंसती खेलती रहूँ। अभी हम आ गए बाल्टिक सी के पास, तो यहाँ पे एक सुपर मार्केट है, यहीं से हम लोग सामान लेते हैं, लिडिल से हम लोग सामान लेते हैं। और ये देखिए ब्रिज जो है कितना सुंदर है, ब्रिज के उस पार एक छोटा सा का जो घर का जो शेप है मुझे बहुत सुंदर लगता है दिखने में, तो चलिए हम चलते हैं। तो अभी हम ब्रिज के ऊपर जाके नजदीक से सब कुछ देखेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम आ गए ब्रिज के ऊपर, ये देखिए बाल्टिक सी, तो अभी हम हैं ब्रिज के ऊपर। वाओ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को?
मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि ब्रिज के उस पार का जो आइलैंड है हम चलेंगे, बट सॉरी अनफॉर्चुनेटली आज नहीं हो पाएगा क्योंकि रास्ते में हम लोगों को दोस्त मिल गए थे, हम बात करते करते लेट हो गए, तो अभी उस पार चलेंगे तो हम अभी नेक्स्ट जहाँ पे जाने वाले वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो उस पार नेक्स्ट कभी दूसरे कभी दिन चलेंगे, आज चलिए किसी और जगह चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डैंडीलाइंस देख लिए अभी हुने और देखिए इसको पू करने में लग गई है, तो बहुत इसका फेवरेट है डैंडीलाइंस, जब भी जहाँ पे भी देखती है तो तोड़ के बस उसको ब्लो करती है। और जब हम लोग निकले थे ना तब मौसम बहुत अच्छा था, बट अचानक से मौसम ख़राब हो गया, क्लाउडी हो गई और विंडी था, बहुत ज़्यादा विंडी था। आप लोगों को सिर्फ हवा की ही आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, बहुत विंडी था। यहाँ पे छोटे छोटे बोट्स पार्किंग एरिया है क्योंकि समर के टाइम में सब लोग यहाँ पे ना बोट्स पे ही रहते हैं लोग, मतलब मैं दिखाऊंगी, अभी दिख नहीं रहा यहाँ पे, दिखेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये तो ऐसे ही नॉर्मल बोट है, बट कुछ कुछ बोट्स ऐसे होते हैं जहाँ जिसमें लोग रात को भी मतलब ठहर सकते हैं, वह फैसिलिटीज होती है। तो ये बोट्स पार्किंग है, कुछ दिन बाद ये लोग बोट्स यहाँ से निकाल लेंगे और ये सी जो है सी में एकदम सब लोग बोट्स चलाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है तब। तो अभी भी खोले नहीं है क्योंकि अभी भी समर आए नहीं है ना, अभी भी ठंड है थोड़ा थोड़ा। हम लोग चलते चलते देखे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सीगल जो है उड़ रहे थे, खेल रहे थे, कोई इन लोगों को दाना डाल रहा था, वो आदमी जो बैठे कुछ दे रहे थे उन लोगों को। तो पीहू ने बोला मम्मा ये कैप्चर कर लो, तो मैंने सोचा हाँ इसको कैप्चर कर लेते हैं। और हाँ आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है, मुझे पता है मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है आज का व्लॉग, मैंने अपने आप को कम दिखाया है और नेचर को ज़्यादा दिखाई है आप लोगों को, तो मैंने कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का आज का व्लॉग कैसा लगा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो आप तब भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पता चलता है कि व्यूअर्स को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो कॉमेंट के थ्रू ही पता चलता है। तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट कीजिए। तो नॉर्मली ये जो टाइम है 7:30 PM है ऑलमोस्ट अराउंड, तो इस टाइम पे ना धूप रहती है, बहुत ज़्यादा धूप रहती है अगर वेदर अच्छा हो तो। आज भी था, धूप था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, बट अचानक से क्लियर, तो देखिए एकदम से अंधेरा अंधेरा लग रहा है, बट फिर भी मैंने इसको नेचुरली रहने दिया, इसमें कलर में कुछ चेंजेस मैं नहीं लाई हूँ, तो मुझे लगा कि चलो ये क्लाउडी है तो ये नेचुरल सी चीज़ है तो इसको नेचुरली रहने देते हैं। तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, बट मुझे तब बहुत अच्छा लग रहा था, और हवा तो बहुत ही तेज़ थी, बहुत ठंड लग रही थी, बट फिर भी मुझे मज़ा आ रहा था रिकॉर्डिंग करने में। जो तूफ़ानी हवा चल रही थी ना, उससे मुझे मेरे बचपन की याद आ रही थी। हम बचपन में गांव में जाते थे, तब जब तूफ़ान होता था हम लोग तूफ़ान में ही निकल जाते थे, आम के पेड़ थे, गांव था ना, आम के पेड़ थे, तो आम झड़ते थे पेड़ से हवा की वजह से, और हम सारे कज़न मिलके आम लाने जाते थे, और मम्मी टोकती थी, बस कौन सुने किसकी बात, हम लोग तो जाते ही थे लाने के लिए, हम लाते थे आम और नेक्स्ट डे मम्मी को बोलती थी कुछ बनाने के लिए, तो मम्मी चटनी बनाती थी और बोलती थी मम्मी पूछती कैसा है, हम लोग बोलते थे कि बहुत मीठा है चटनी, तो मम्मी बोलती थी हाँ तुम लोग इतने मेहनत से जो लाई हो मीठा तो होना ही है। और हम लोगों को भी यही लगता था कि हमारे पेड़ के आम इतने मीठे हैं कि कच्चे आम हैं फिर भी वो इतना मीठा लग रहा है, मतलब सोचो, फिर अभी तो पता चलता है कि नहीं वो चटनी है
काफ़ी सारी चीनी डाली थी इसलिए वो मीठा है। बट तब तो वही विश्वास होता था कि हाँ हम लोग तूफान में जाके आम लाए तो इसलिए शायद मीठा है, या हमारे पेड़ के आम ही मीठे हैं, कच्चे में भी मीठे लगते हैं। तो वही है बच्चों की मन। तो यहाँ पे हम और एक सुपरमार्केट के सामने आ गए हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं, पहुँच गए हैं जहाँ पे हम लोग आने वाले थे। ये भी समुंदर ही है बट यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे बेंच वगैरह है बैठने के लिए। तो समुंदर है बट देख के लगता है कि कोई झील है या लेक है, देख के ऐसा ही लगता है बट है ये समुंदर। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं गर्मी के टाइम में, आते हैं आके थोड़ा देर बैठते हैं यहाँ पे, गप्पे मारते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ आके, फ्रेंड्स के साथ आके, तो अच्छा लगता है काफ़ी। और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर, देखिए ये फूल भी है। अच्छा नाम नहीं मालूम मुझे कि नाम क्या है फूल का, बट बहुत सुंदर है। और पीहू पीहू तो वहाँ पे बर्फ की तरह जम गई है पीहू, इसलिए आज आ नहीं रही है वीडियो में। एक्चुअली विंडी है, बहुत ज़्यादा विंडी है, मेरे भी हाथ एकदम जम गए हैं। तो विंडी है तो ये इतनी देर तक साइकिलिंग करके आई है, तो गलती मेरी है कि मैं इसका हैंड ग्लव्स लाना भूल गई हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी तो बाहर धूप था तो आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा विंडी है वेदर। तो इसके बॉडी में तो ठंड नहीं लग रहा है बट हाथ इसका बहुत एकदम से जम गया है। तो मैंने बोला कि थोड़ी देर रहने के लिए, तो देखिए इसका शक्ल तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं विलिस के बाहर। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं, अगर कुछ लेना होगा तो सामान हम ले लेंगे। तो ये एक सुपरमार्केट है, तो ये जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जहाँ थे वहाँ एकदम बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में है, रोड के ऑपोजिट साइड में ही है। तो अभी हम जाएंगे इसके अंदर, तो चलिए आप लोगों को भी घुमा के दिखाते हैं। ब्रेड्स रखे हुए हैं पीहू, यू वांट समथिंग? ओके व्हाट डू यू वांट? चलिए मैं देखती हूँ क्या ले सकते हैं। टूथब्रश यू वांट? My little pony bandage. No? नहीं तुम्हारे पास है माई लिटिल पोनी बैंडेज? वॉट वॉट आई वाई यू वॉन्ट टू बाई माई लिटिल पोनी बैंडेज? यू हैव पेपा पिक वन, नो? बट आई डोंट लाइक इट मच। What did you say? What are you saying? I'm saying that like, I chose Peppa Pig bandage because that was the only bandage that it was there. आज पीहू ने क्या किया पता है? उसके आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसके हाथ में किंडर जॉय था और वो पेपा पिक बैंडेज मांग रही थी। बट उसके बाद उसने बोला कि उसको ब्रश चाहिए, क्योंकि चाहिए होगा कुछ दिनों बाद, तो अभी लेके दो ब्रश। तो फिर मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि किंडर जॉय चाहिए या ब्रश चाहिए। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे ब्रश ही चाहिए, किंडर जॉय आप रख दो। तो फिर मुझे हंसी आई कि देखो बच्चे मन के सच्चे। तो मैंने बोला नहीं बेटा तू किंडर जॉय रख और ब्रश भी रख। तो फिर उसने फिर दोनों ही रखा। और यहाँ पे ये सारे बुफे हैं, सॉरी बुके हैं, गलती से मैं बुफे बोल दिया। और ये यहाँ पे सारे फूल सब्जी उसके जो सीड्स होते हैं बीज उसका पैकेट है। हम्म,
what happened? Yes, flower seeds. And last time we took this one. Yes. तो अभी हम लोग हैं लिडिल सुपरमार्केट में. यहाँ से भी हम लोग कुछ कुछ सामान लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि ट्रॉली नहीं लेकर गई थी तो इसलिए ज़्यादा सामान नहीं ली. फिर भी जो जो लगा कि हाँ चाहिए तो वो सामान ले ली. यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ये सारे सॉसेस, मेयोनीज, उन सब के बोतलें हैं, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. बच्चों के कपड़े से लेकर फिर यूटेंसिल्स, सब कुछ मिलता है यहाँ पे. चिकन, फिश, जो जो चाहिए होता है सुपरमार्केट में मिल जाता है यहाँ पे. और लिडिल, अभी हम हैं लिडिल में तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है तो हम लोग ज़्यादातर टाइम वहीं से लेते हैं. अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:15 बजा है, बट सूरज जो है बादलों के पीछे छुप गया है तो अभी क्लाउडी हो गया है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ठंड लग रही है. तो अभी सोच रही हूँ कि घर चली जाऊँ. तो हाथ भी मेरा जम गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है तो वो रहना नहीं चाह रही है बाहर. तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ. आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए. तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ. आज के लिए बाय बाय.